और एक बार फिर से नीट परीक्षाओं की बात करते हैं। ग्रेस मार्क वाले छात्रों की परीक्षा खत्म हो गई है 5:20 पर। अभिजीत बात कर रहे हैं छात्रों से। ऐसी फिजिक्स कभी नहीं देखी, पहले पेपर में भी नहीं थी अच्छी ऐसी फिजिक्स। कैसा एग्जाम कर रहे हैं? जैसे ही खत्म हुआ एग्जाम, कैसा रहा एग्जाम आज का? आज का कैसा रहा एग्जाम? ठीक था, मतलब इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा, पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो व्यवस्था सेंटर पे किस तरह की थी? बहुत अच्छी थी पिछली बार से। कोई कंफ्यूजन नहीं था, समय से परीक्षा? हाँ बिल्कुल, सारा सही था। संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल। तो आप पहले ऐसे स्टूडेंट जो कह रहे होंगे कि पिछली बार से ज्यादा बेहतर था, और क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो? क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, लेकिन डिफिकल्ट होने के बावजूद भी आप इस बार के परीक्षा से संतुष्ट हैं? हाँ। किसी तरह की कोई डिले नहीं हुई? नहीं। और कोई शिकायत हो तो बता दीजिए। नहीं, ठीक था सारा। ठीक था। तो ये देखिए कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि पिछली बार से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पेपर ज़रूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा ठीक से दी और इस बार उनकी जो परीक्षा रही वो अच्छी रही है। और भी स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप ये तस्वीरें दिखाते रहे विपुल, जो बच्चे परीक्षार्थी जो हैं वो जो एग्ज़ाम दे के लौट रहे हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहे। और कैसा रहा आप लोग का एग्जाम? काफी अच्छा रहा, अच्छा रहा। हाँ जी सर। पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो इस बार सेंटर पे व्यवस्था कैसी थी? पिछली बार जो टाइम वेस्ट हुआ था वो नहीं हुआ, इस बार टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज थी, सिग्नेचर एंड जो फोटो पेस्टिंग अटेंडेंस, वो सब पहले ही हो गया था, तो वो काफी अच्छा रहा। यानी इस बार बेटर? इस बार बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से। मार्क्स जो भी मेरी मेहनत थी 2 साल की, शायद वो कुछ कलर्स लेकर आए मेरे लिए। आई एम हैप्पी। और क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहा पिछले? नहीं, क्वेश्चन पेपर काफी इजी रहा, मुझे इजी लगा, जैसी मेरी तैयारी थी उसे। आप पहले से स्टूडेंट है जो कह रहे कि क्वेश्चन पेपर इजी था, अच्छी तैयारी। और भी स्टूडेंट है उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम कशिश है। कशिश, किस तरह का इस बार एग्जाम रहा? इस बार एग्जाम तो मेरा अच्छा था, पर थोड़ा टाइम कम मिला था प्रिपरेशन का, क्योंकि पिछली बार पूरे 1 साल की प्रिपरेशन थी, इस बार 1 हफ्ते का टाइम दिया, बस रीनीट दोबारा करवा दिया। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की व्यवस्था की बात करें तो पिछली बार की तुलना में ठीक रहा टाइम से? हाँ, टाइम से शुरू हुआ, और इस बार मतलब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस वगैरह भी सब कुछ ज़्यादा थी पिछली बार, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ नहीं था कि चेकिंग वगैरह। पहली बार एग्जाम हुआ था तो इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे कंडक्ट करवाना है, कैसे क्या कुछ, तो इस बार थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा। और अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें? क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा टफ था, वैसे तो ईजी था, बट पिछली बार से लेके फॉर्मेट थोड़ा सा अलग था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? एक्सपेक्ट तो 600 प्लस है। 600 प्लस है। हाँ जी। और जिस तरीके से नीट के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हुई, अब आपको ट्रस्ट है कि व्यवस्था बदल रही है, ठीक हो रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो अब अगर जैसे यू कह रहे कि एनटीए के को छोड़ हटा के अब कोई दूसरी वो आएगी, तो अब उसका पता नहीं कि कैसे कंडक्ट करवाएगी। बाकी होप तो यही है, अब एनटीए पे तो है नहीं। एनटीए पे नहीं है? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम बच्चे थे जो कि परीक्षा केंद्र से बाहर निकले हैं, उनके पेरेंट्स भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, और परीक्षा देने के बाद अब वो अपने घरों को जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि समय से परीक्षा शुरू हुई और समय से उन्होंने परीक्षा दिया। कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर आसान भी लग रहे हैं, कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर मुश्किल भी लगे, लेकिन कुल मिलाकर जो स्टूडेंट्स में, उनका कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार चूँकि बेहतर व्यवस्था थी, उन्हें अच्छा टाइम मैनेजमेंट मिला, समय से परीक्षा शुरू हो गई, इन तमाम चीज़ों से वो संतुष्ट ज़रूर है। लेकिन हाँ, एनटीए से जो एक शिकायत है, एक जो ट्रस्ट क्राइसिस क्रिएट हुआ है, वो बच्चों में भी बातचीत करने में स्पष्ट दिखाई देता है। उनका कहना है कि उन्हें इस परीक्षा से तो संतुष्टि है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है अभिजीत, जो 1563 स्टूडेंट्स थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी परीक्षा का आज दिन था। मन में तमाम आशंकाएं लिए इन तमाम स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है, 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया।